आफ्टरनून एवरीवन, जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं भावना गुरंगा, कक्षा 11वीं की छात्रा। तो आज मैं आप सभी को अपने एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ जो यहाँ मैंने सीखा स्टेम जिज्ञासा कक्ष में। तो फर्स्टली मैं बताती हूँ कि स्टेम जिज्ञासा कक्ष है क्या। स्टेम का फुल फॉर्म है साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो इसमें जैसे हमारे वहाँ लैब है साइंस का, मतलब जैसे केमिस्ट्री का अलग है, फिजिक्स का अलग है, मैथ्स का अलग है, जैसा भी ये है, पर इसमें क्या है कि ये सब चीज का कॉम्बिनेशन है। इसमें हम क्या करते हैं कि जितने भी साइंस है और मैथ्स है इसका हम इसमें कॉम्बिनेशन है। तो इसमें मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये बेसिकली 3 दिन के लिए सर आए हुए थे हमें बताने के लिए। वैसे तो 4 दिन हो गए सर को। फर्स्ट दिन 1 घंटे के लिए आए थे सर लास्ट पीरियड में। उसमें हमने जितने भी यहाँ किट आए हुए हैं और टेलीस्कोप आया हुआ है, ड्रोन आया हुआ है, माइक्रोस्कोप आए हुए हैं, उनको पहले हमने एक्सप्लोर किया, देखा कि ये क्या है। जैसे हम इस रूम में आए तो एक अजीब अलग ही पॉजिटिव वाइब आ गई। इसमें लिखा है ना जिज्ञासा, इतनी सारी चीजों को देखकर हमारे मन में जिज्ञासा आई, इच्छा आई कि ये है क्या, इससे हम क्या करेंगे। ठीक है, फिर सीखने का फर्स्ट दिन हमने बेसिक इलेक्ट्रॉन से सर्किट बनाया। पहले हमें सर ने बताया, थ्योरी बताई। वैसे तो हमने पढ़ रखा है, 8th में भी था इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर और 10th में भी था, ये हमने पढ़ा था, पर हमें बताया था। अब जैसे रेजिस्टेंस है, अब हमने तो ड्राइंग बना रखी है ना, उसमें ऐसे बनाते हैं करके साइंस में, फिर बल्ब जल जाएगा, पर हमें पता नहीं था कि जलेगा, ये हमें पता नहीं था। बस हम क्या करते थे कि जलेगा उसको क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। बेसिकली हम क्या पढ़ते थे कि हम पढ़ते किस लिए थे कि अगले दिन हमको एग्जाम देना है, बस इसलिए पढ़ते थे। पर हमने क्या सीखा, अब हमें आना भी तो चाहिए ना, कल के दिन कोई हमसे पूछेगा, हमसे जो छोटे होंगे वो पूछेंगे कि कैसे करना है, तो वो हमें आना चाहिए ना। तो इसलिए यहाँ हमने फर्स्ट दिन क्या किया, बेसिक इलेक्ट्रॉन जो भी थे उनसे सर्किट बनाया, बल्ब जलाया। पहले हमसे नहीं जला, तो सर ने हमको बताया, कुछ थ्योरी भी सर ने बताई, एसी डीसी के बारे में बताया, और फिर हमने सर्किट बनाया। सबसे पहले सर ने जलाया, फिर हमसे नहीं हो रहा था, कुछ ग्रुप में बढ़ गए थे, फिर हमारे ग्रुप में सर्किट बनाने की कोशिश की, तो हमसे नहीं बना, 2 बार गलत बना, पर 3री बार सही बन गया था। देन नेक्स्ट डे सीखने का दूसरा दिन, उस दिन हमने और उस दिन भी ग्रुप में बटा था, किसी ने कोडिंग सीखी, किसी ने और सर्किट सीखा, और किसी ने 3D पेन का यूज किया। तो सर्किट में हमने, हमारा ग्रुप फिर भी हमने सर्किट किया। सर्किट में जैसे कि हमने पहले सिर्फ एक बल्ब जलाया, उसके बाद हमने क्या किया, अगले दिन जब सीखा हमने इन सीरीज इन पैरेलल में, हमने 10th क्लास में पढ़ा था, क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे, तो हमने उसी में बल्ब जलाए, इन सीरीज में हमने बल्ब जलाया, इन पैरेलल में हमने बल्ब जलाया। और फिर कुछ ने 3D पेन का यूज किया, और किसी ने कोडिंग सीखी, और ड्रोन, फर्स्ट दिन जब मैं यहाँ आई मुझे ड्रोन बहुत पसंद आया, और सर ने भी बोला कि ड्रोन हमें ये नहीं देखना है कि ड्रोन चलाते कैसे, अब चलाना तो सब सीखेंगे, जरूरी क्या है कि बना कैसे है, वो उसमें क्या यूज हुआ है, वो जरूरी है। तो सब चीज देखा हमने, तो 3D पेन भी लोगों ने दो नजरिए से उसे देखा होगा, किसी ने कि खेलना है हमको कुछ बनाना है, और किसी ने क्या देखा होगा कि ये बना कैसे होगा। ठीक है, और सर ने सेंसेस के बारे में बताया, जैसे हम कोई होटल में जाते हैं, होटल के सामने हम खड़े होते हैं दरवाजे के यहाँ पे, दरवाजा खुद के खुल जाता है, और जैसे गाड़ी है पीछे पे बैक करनी है, गाड़ी पीछे पे दीवार है वो बता देता है, ये किससे होता है, सेंसेस से होता है। सर ने हमें सेंसेस के बारे में बताया। और आज लास्ट दिन हमने सोलर पैनल से हमने लाइट जलाई, और किसी ने दोबारा कोडिंग की, उसी को कंटिन्यू किया, और किसी ने 3D पेन का यूज किया, किसी ने कुछ किया। तो हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला, और ये है कि अब हमने सीख लिया है, ये नहीं कि हमने बस पढ़ाया, अब हमको पता चल गया, क्योंकि पढ़ने से होता है कि दिमाग में कब तक बैठेगा, अगले दिन पेपर देना है हमको, याद रहेगा, हम तो रट्टा मार के जाते हैं, अगले दिन पेपर दे के आते हैं, पास हो जाते हैं। अब इसमें हमें पता चल गया कि क्या चीज कैसे होगी, बल्ब चलता कैसे, अब हम अपने से छोटे जो होंगे उनको हम बता पाएंगे। और कुछ अब ये लैब बन चुका है, और नए सर आएंगे परमानेंटली, तो वो हमें बताएंगे, और चीज हम रोबोट बनाएंगे। और अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, और बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू।